देखो ट्रक वाले भैया जा रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਝੰਝਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਜੈਲਸ ਆਫ ਐਲ ਟੀ ਈ ਬਲੌਗ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਜੈਲਸ ਹੋ ਐਲ ਟੀ ई ब्लॉग के कुछ भी मतलब गलत कमेंट आ रहे हैं उनके रिलेटेड क्योंकि जो लोग हैं मेरे को कंपेयर कर रहे थे क्योंकि सवाल भी पूछते हैं कि ये तुम ये बोल रहे हो और वो बोल रहे हैं ये सही है लेकिन जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बोल दूं मैं नॉर्थ सही है नॉर्थ रहना सही है और वो बोल रहे हैं साउथ रहना सही है तो भाई ये ले लो मैं वेरीफिकेशन देना चाहता हूँ इसके लिए कि शायद वो कुछ और ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैं कुछ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरी थिंकिंग कुछ और है उनकी कुछ और है ठीक है तो एक एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाहता हूँ कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का और अपनी अपनी जॉब होती है और उसी के हिसाब से उनकी थिंकिंग सेट हो जाती है और उसी हिसाब से वो देखता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया को। जैसे जब मैं कंस्ट्रक्शन की जॉब करता था तब मेरा आइडिया और दिमाग कुछ और होता है जब मैं ये डिश वॉशिंग या कुकरी रिलेटेड रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ तब मेरा उसके बाद में घर आके आइडिया कुछ और होता है कि थिंकिंग ऑस्ट्रेलिया के बारे में या मेरा मूड होता है वो भी डिपेंड करता है ना तो ना कर किया जाए सही है और धोनी दोनों अपने अपने तरीके में दोनों सही हैं। अगर आप बोलो धोनी सही है और कोहली को आप डीफेम करो कि वो सही नहीं है वो गलत है या वाइस वर्सा कर दो इसका क्योंकि हर एक बंदा अपने आप में सही होता है और वो गोरी देख रही है मेरे को कि ये क्या बकचोदी कर रहा है तो भाई हाँ मैं बोल रहा था हर एक बंदा ना वो अपने ही तरीके से सही है मैं अपने तरीके से सही हूँ तो कंपेयर ना किया जाए। और हाँ एक बात और है कोई बंदे कलैब के लिए भी बोल रहे थे कि आप उनके साथ कलैब करवाया था मेरे को दो जनों का पता नहीं तीन का मैसेज कि आपको उनके साथ वीडियो बनानी चाहिए। हाँ भाई मैंने उनसे पूछा था अराउंड 4-5 महीने पहले जब उनके सब्सक्राइबर 3-4 हज़ार थे क्योंकि मैं सर्च करता रहता हूँ जो भी ब्लॉगर आ रहे हैं वहाँ यहाँ या कोई गोरे हैं या कोई भी कंट्री से हैं या पहले के हैं या फेमस हैं मैंने सभी को मेल की हुई है लगभग और मेरे को सिर्फ दो जनों का दो गोरियों का रिप्लाई आया था वीडियो बनाने के लिए। और फ्यूचर में हमारी चल रही है बात कोई फ्यूचर में गोरी के साथ वीडियो आएगी कि भाई तब उनके सब्सक्राइबर भी 3-4 हज़ार थे मेरे को अच्छे मालूम नहीं 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने उनको मैसेज किया भाई तेरा आपका इंस्टा क्या है और जीमेल क्या है उन्होंने बता दी भाई ठीक है कि इंस्टा मेरा ये है वो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई हम वीडियो बना लेते हैं और दूसरे जो देखते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि आपको नॉलेज लाइक थोड़ी सी नॉलेज आपको होगी थोड़ी सी मेरे को होगी तो वो इतनी नॉलेज होगी है ना। तो और क्या बोल रहा था मैं हाँ और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारा चैनल ग्रो होगा ठीक है तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया इंस्टा पे और सीन करके शायद छोड़ दिया था पता नहीं क्या सिस्टम था लेकिन रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने जीमेल की मैंने क्या कि बंदा इग्नोर कर देता है तो वो भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं आया उनका तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो आपका भी इंस्टा पे रिप्लाई करते होंगे एक को इंस्टा पे रिप्लाई कर देता हूँ भाई। और मेरे रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के ज़्यादा अभी मेरे व्हाट्सएप पे वो कॉन्टैक्ट हैं जो मेरे दोस्त यूट्यूब से बने हैं और जो गरबाज है और एक बीच वाली वीडियो पे बंदा है वो भी मेरे को यूट्यूब से मिले हैं और जो यहाँ का पक्का बेस्ट फ्रेंड है मेरा गुरबाज और वो जो मेरे साथ रहता वो भी मेरे को यूट्यूब से मिला है दोस्त और अभी हम 24 घंटे साथ में रहते हैं। तो ठीक है मैंने YouTube ही स्टार्ट इसलिए की थी और तो इंस्टा पे मैसेज करते हैं सभी के पास मेरा पर्सनल नंबर है कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो अपना पर्सनल नंबर देता हो सभी के पास मेरा है सभी के साथ मैं वीडियो कॉल करता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है कोई एक भी बंदा आके बता दे मेरे को कि उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल की है। इंस्टा पे लाइव होना वो अलग बात है लेकिन अगर पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की हो जाए इंस्टा पे तो बता दो मेरे को ठीक है कुछ और होगा बना वीडियो बनाने का ठीक है मेरा मोटिव कुछ और है मैं ज़्यादातर वीडियो वो बनाता हूँ जिस के
ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी को नॉलेज मिल जाए। क्योंकि जब मैंने आना था, मेरा वीज़ा गया था जुलाई में और मैं यहाँ आया था अक्टूबर में, तो वो 3 मंथ्स ही जो थे, जुलाई से लेके अक्टूबर तक यही सवाल चलता रहता बंदे के मन में कि मेरे को काम मिल जाएगा, कौन मेरे को सपोर्ट करेगा। लिटरली मेरा यहाँ कोई नहीं था, एक बुआ की लड़की थी वो कि आगे की आगे रिश्तेदार थी, और वो भी एडिलेड चली गई थी 10 दिन के बाद। तो जॉब, रहने का प्रबंध और बाकी सारा, कॉलेज दिखाने का कुछ ना, सब कुछ मैंने आप किया है। तो बंदे को होता है ना कि कहाँ से नॉलेज मिलेगी। तो अभी जो भी बंदा पर्थ आएगा और मेरी वीडियो देखता है, लगभग वो इतना तो कर ही सकता है कि कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या होगा। तो एक वीडियो मेरी और आएगी कि पहले दिन आके यहाँ क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और क्या क्या आपको क्या बोलते हैं कि एज अ बैकअप के लिए करना चाहिए, ठीक है, वो भी वीडियो मेरी जल्दी आ रही है। और कोई भी बंदा ना यार, हाँ एक दो बंदों के मेरे को मैसेज आए थे रूम के रिलेटेड, उनको मैंने रूम दवा दिया, दिला दिया और काम दिला दिया दो बंदों को। और जो सेखों और गुरबाज हैं अभी मेरे पक्के दोस्त हैं, ठीक है, यूट्यूब से मिले, मैं इनको पहले बिल्कुल भी नहीं जानता था, ठीक है। और मैं अपनी वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को कई बंदों ने या लाइक गाली निकाली है या कुछ भी बोल दिया कि वो बाद में आके तेरे से इतना ग्रो कर गए। तो भाई मैं बोलता हूँ, मेरे को सब्सक्राइबर या यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए दोस्त यहाँ पे, कि 100-200 का सर्कल हो मेरा यहाँ, सिर्फ वो हों यूट्यूब से मिले हों या कहाँ से भी मिले हों, ठीक है। और अगर हाँ बता दो, अगर वो भी आपको इंस्टा पे रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मेरे को मेरा मैसेज लगा देना उनको कि एक छोटा सा यूट्यूबर है, वो भी वीडियो बनाता है परत में, वो आपके साथ क्लैब करना चाहता था, अभी नहीं चाहता था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा जो यूट्यूब सेटअप है सिर्फ मेरा फ़ोन है, इसके अंदर ही मैं वीडियो एडिट करके डाल देता हूँ। मेरे पास कोई GoPro, कोई मैकबुक, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, ठीक है, मैं इस पे डाल देता हूँ। क्योंकि अपना अपना काम है भी मैसेज देना, जो भी देखते हैं वीडियो के उनको नॉलेज मिल जाए भी, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे को वो नहीं है कि टाइम लाइफ्स दिखा के अपने व्यू। और एक बात आपको और बता देता हूँ, ठीक है, ये बंदे जो ऐसी वीडियो डालते हैं डार्क लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, स्टूडेंट का ये हो गया, ऊबर का ये हो गया, ठीक है, और ये बॉर्डर खुलेंगे ना खुलेंगे या नहीं, कब खुलेंगे, बारी बारी एक टॉपिक के वीडियो डाल, वो सिर्फ व्यू लेने का चक्कर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर का मैं अभी बता दूँ, कोई भी अभी तक पॉइंट नहीं है खुलने का, क्योंकि स्टेट के बॉर्डर भी दोबारा बंद कर दिए अभी सभी स्टेटों ने। कल ही मैसेज पढ़ रहा था मैंने, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सच्ची बिना मसाले लेके, ठीक है, क्योंकि जो बताने वाला होता है अंदर वीडियो के व्यू लिए ये वो बोल देता है, अगर आपको कोई भी वीडियो बॉर्डर्स के रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो मार्क करके बंदा है एक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा फेसबुक आईडी का, उसको लाइक कर दो पेज को, वहाँ से पूरी नॉलेज मिलेगी आपको। वो सबसे पहले वही है बंदा बॉर्डर खोलने वाला, तो उसको उसके पेज को फॉलो करो जाके, वो सब कुछ बताएगा आपको, ठीक है। और बाकी मैं ज़्यादा उनको, ठीक है, डीफेम नहीं करना चाहता कि वो, क्योंकि फिर बोलेंगे बंदे कि तू भाई जैलेस है, जैलेस वाली बात नहीं है, ठीक है, मेरे को ना तो मेरे, मैं इतना टाइम स्पेंड करता हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है, सीधा फ़ोन पे ऐसी वीडियो बना के आई मूवी में जोड़ के ऐसी बस अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो बस यही बात है कि कंपेयर ना करें, ठीक है, उनका मोटिव कुछ और होगा वीडियो बनाने का, फेमस ये वो व्हाटएवर, तो मेरा मोटिव है सिर्फ दोस्त बनाना यूट्यूब से, जो भी बंदे पर्थ, बस ऑस्ट्रेलिया या पर्थ आएँ कि वो मेरे नोन हो जाएं और हम बह के पार्टी शार्टी जो भी है वो करें। क्योंकि जो अभी तक 3 बंदे आए हैं, बाद में बॉर्डर क्लोज हो गए, और तीनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, और दो का मैंने अच्छा सेटिंग कर दिया, तो ओके, ठीक है। अभी जो बैड कमेंट करेंगे वो इस वीडियो पे कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनी ही बैड कमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे को एक दो ने किया, उनकी हमने सही से ले ली, तो इसमें कर दो, कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि शायद ये वीडियो डिज़र्व करती है बैड कमेंट, क्योंकि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो उनके बंदे देखने वाले हैं वो बोलेंगे। ओके, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी 3-4 दिन पहले, बना के रख रखी थी,
सोच ही जा रहा था बार बार पोस्ट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर मैंने डाली स्टोरी इंस्टा पे, ठीक है, उनकी पोस्ट पे किया कमेंट कि तुसी फूक रहे हो, पंजाबी में किया था कि तुसी फूक रहे हो, किसी को इंस्टा पे रिप्लाई करो। तो मैंने अपनी स्टोरी में डाल दिया कि अगर मेरे को उस कमेंट पे 20 लाइक आ गए तो मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। मेरे को आए 41 लाइक, तो वीडियो बनती थी। फिर भी मैंने दोबारा स्टोरी डाली कि वीडियो पानी चाहिए या नहीं, क्योंकि यार नेगेटिव वीडियो, ठीक है, किसी के खिलाफ बोलना कैसे भी आ चाहे लेकिन गलत है वीडियो डालना। फिर मैंने स्टोरी डाली, फिर उस पर 300 बंदे ने देखी वो स्टोरी, और उस पर 70 ने किया यस वीडियो डाल दे, तो 7 ने किया नो। तो जो नो बात करने वाले थे उनमें सिर्फ एक बंदा सपोर्टिव है मेरा, जो मेरे को सपोर्ट करता है, लवी, उसने नो किया है, वो मंडेर। बाकी जो 6 थे उनको मैं जानता भी नहीं, ना वो मेरे यूट्यूब देखने वाले हैं, पता नहीं कैसे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, फिर उसका रिप्लाई आ गया मेरे को कि अब भाई क्या चल रहा है। तो मैंने बताया सारा, तो बोला ठीक है ऑल द बेस्ट, मैंने भी बोला ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैंने कोई उसको गलत नहीं बोला, ना उसने मेरे को बोला। वो बोला, मैंने बोला था कि मैंने मैसेज किया था तेरे को, तूने देखा नहीं, वो बोला डिलीट हो गया। मैंने कहा इट्स ओके। और हाँ भाई, जो भी बैड कमेंट करेंगे तो उनको बेनती है कि उनके तक भी मेरी वीडियो प्लीज़ पहुँचा दें, या जो मेरे जानने वाले हैं वो भी, उनको भी बेनती है कि कैसे ना कैसे करके मेरी वीडियो उनके तक पहुँचा दें, ताकि वो आपको आगे से इंस्टा पे रिप्लाई देना शुरू कर दें, स्टारों वाली फीलिंग ना रखें, ठीक है। मेरे को बहुत बंदे मैसेज करते होते हैं कि भाई तू पहला बंदा है जिसने रिप्लाई किया। भाई कितने मर्जी मैसेज करूँ आपको रिप्लाई मिलेगी, ठीक है। बस वीडियो को शेयर उसके तक पहुँचा दो, शेयर चाहे ना करो, बस एक ही व्यू आ जाए चाहे उनका आ जाए, कि उनको पता चल जाए कि रिप्लाई कैसे करना होता है, जो भी बंदे हमारे देखने वाले हैं, ठीक है, ओके।